बट इस बार पहली बार मैं मुंबई में महाशिवरात्रि बनाऊंगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एंड शिवजी पार्वती नहीं, एक्चुअली वो जो जगराता जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें शेरावाली माता में बनती थी बहुत बार, मेरी बहुत फोटोज़ भी है शेरावाली माता के. तो वहाँ पे क्या होता है ना, जगराता होता है महाशिवरात्रि के दिन, और ऐसे भांग भी बनती है, ठंडाइयाँ बनती है, काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी मज़ा आता है, बहुत धूमधाम से बनाते हैं नॉर्थ में. तो महाशिवरात्रि वो भी मुझे देखना है कि बॉम्बे में कैसे मनाते हैं. शिवरात्रि आने वाली है, तो क्या कुछ प्लान है महाशिवरात्रि? थैंक यू सो मच. महाशिवरात्रि आ रही है अभी थोड़े दिन पहले ही, हमने महाशिवरात्रि के लिए एक छोटी सी पूजा भी की थी सेट पे, एक सेगमेंट के लिए की थी मैंने और रोमित ने साथ में. अब महाशिवरात्रि के दिन आई थिंक इस बार तो छुट्टी होगी, शूट भी नहीं कर रहे होंगे, तो प्लान यही है हर साल की तरह मैं अपने मम्मी और पापा के साथ मंदिर जाऊंगी, वहाँ पे प्रसाद बनता है. तो मैं वैसे चंडीगढ़ में होती हूँ, बट इस बार पहली बार मैं मुंबई में महाशिवरात्रि बनाऊंगी, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. एंड मैंने तो सुना है यहाँ पे काफ़ी धूमधाम से बनाई जाती है, तो इस बार जब मैं जाऊंगी तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे डालूंगी अपने फैंस के लिए भी. चाइल्डहुड की बात करें तो चाइल्डहुड में किस तरीके से महाशिवरात्रि मनाई जाती थी, ऐसी कुछ मेमोरेबल मेमोरी हो जो आपको? तो मैं चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में ना ज़्यादातर सोसाइटीज़ में रहते हैं, अपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, जगराता होता है महाशिवरात्रि के दिन, और ऐसे भांग भी बनती है, ठंडाइयाँ बनती है, काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी मज़ा आता है, बहुत धूमधाम से मनाते हैं नॉर्थ में. तो महाशिवरात्रि वो भी मुझे देखना है कि बॉम्बे में कैसे मनाते हैं. लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, हम बहुत लो भी फील करते हैं, लेकिन कभी लगता है कि हाँ महादेव का हाथ है सर पे, तो ऐसा कभी फील हुआ है? मैं तो महादेव की बहुत बड़ी भक्त हूँ सच में. ओम नमः शिवाय का जाप करके मोस्टली मैं हर सैटरडे संडे, तो आई मेक श्योर मंडे कि मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूं 108 बार. और ऐसा मुझे मेरी बहन ने बोला भी था करने को काफ़ी साल पहले, और जब से मैं कर रही हूं मैंने खुद अपनी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखा है. तो मैं तो हमेशा ही बोलती हूं कि महादेव की तो मैं बहुत बड़ी भक्त हूं. और कुछ ऐसे आजकल पॉप कल्चर में कुछ ऐसे तांडव, कुछ ऐसे रैप, कुछ ऐसे फोक सॉन्ग्स भी हैं जो हमारी जनरेशन के लोग भी इन्जॉय कर सकते हैं. बात करें सॉन्ग्स की या मंत्र की, ऐसे कौन से सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड में जो आप सुनते हो महादेव के? अगर बॉलीवुड के वो मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो एक अजय देवगन की मूवी थी ना जिसमें बहुत महादेव का एक पॉपुलर सॉन्ग है शिवाय. हाँ, एंड इनफैक्ट रणबीर और आलिया की मूवी में भी था. वो सारे गाने बहुत अच्छे हैं. और एक रैप है जो आर्टिस्ट आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, उनका नाम है अमीना. ठीक है, अमीना वो बाहर की हैं और उन्होंने बहुत अच्छा एक रैप किया है, और वो एक सांस में रैप किया है. वो मैं कर तो नहीं सकती हूँ, बट सुनना आप अमीना का शिवाय रैप, बहुत अच्छा है. तो वो रैप में बेसिकली वो शिव जी की पूरी लाइफ बता रहे हैं, और बहुत सुंदर रैप है वो. और वैसे अगर ऑब्वियसली हम भजन की बात करें तो ओम नमः शिवाय जो हम जाप करते हैं वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, तो वो तो गाते ही हम. शिव जी पार्वती नहीं, एक्चुअली वो जो जगराता जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, उसमें शेरावाली माता में बनती थी बहुत बार, मेरी बहुत फोटोज भी है शेरावाली माता के द्वारा, क्योंकि उसमें एक प्ले होता है जिसमें सारे भगवानों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसमें मैं शेरावाली माता का रोल करती थी बचपन में. मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक डिवाइन पावर में बिलीव करना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप कीजिए और ओम नमः शिवाय बोल के देखिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी.